कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड अभी मैं अपना गेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे हूँ। एंड आज मैं जाऊँगा औरंगाबाद में, क्योंकि मेरे को ट्रीटमेंट करना है। मेरा इन्फेक्शन बहुत दिनों से, 7-8 महीने से जो फोड़ा होता है वो इन्फेक्शन में बहुत फंसा हुआ हूँ मैं। तो चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिस जॉब कर रहा हूँ इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट तो करना चाहिए। बहुत दिनों से इसको जो डिजीज़ को उसको पालना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आज यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन मैं छुट्टी मैंने एनएच के अरेंज किया था और यहाँ पे बारिश भी चालू हो गया था, फिर चलो आधे घंटे के अंदर बारिश रुक गया। एंड अभी 12:30 बजे मुझे जाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। एंड अगर आएंगे, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो वहीं पे स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे। एंड थोड़ा बहुत घूमेंगे आज औरंगाबाद सिटी को। पहले ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, अच्छा जनरल फिजिशियन मिल जाएगा, उसके बाद क्या क्या करेगा उसके सोचेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं अभी यहीं से, या अपना गेस्ट हाउस से बाहर जाएंगे। थोड़ा बारिश हो रहा था, रुक गया है। यानी बाइक लेके जाएंगे, अपना कंपनी का बाइक, पेट्रोल फिल कर लिया। जी मैं अपना रूम, बाइक का चाबी भूल गया हूँ, तो फिर से रूम पे आना पड़ा के लिए। बाइक का चाबी के लिए मुझे फिर रूम जाना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है, अच्छा गेस्ट हाउस है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम चलता है, पानी का लेयर अच्छा नहीं है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं आज का जर्नी। तो गाइस 55 किलोमीटर राइड कर लिया मैंने अभी, एंड औरंगाबाद के करीब आ गया। सिलोट टू औरंगाबाद रास्ते पे जो रोड दिखा रहा है अभी, एंड जो फ्लाई ओवर ऊपर में है, मेरा टोल गेट है, तो हमारा कंपनी का ये मेगा कंपनी का बनाया हुआ है। 18 से 23 तक कंप्लीट हुआ है, एंड अभी मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, औरंगाबाद सिटी बहुत अच्छा सिटी है, बहुत सिटी में बहुत कुछ देखने का है। सिटी ऑफ गेट्स बोलते हैं इसको। औरंगजेब हमारा जो मुगल एम्परर था, यहाँ पे बहुत कुछ मेमोरी बना रख के गया है। तो आज जाएंगे, नाइट स्टे इधर ही करेंगे, कल संडे है, देखेंगे कुछ करेंगे। अगर वहाँ से पैसा नहीं आएगा हमारे टीएम से कुछ भी, तो हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे आज कल। एंड ट्रीटमेंट जो मेरा मेन टारगेट है, ट्रीटमेंट वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बस देखो बहुत अच्छा है ये टोल गेट, रिसेंटली बना हुआ है मेरा कंपनी की तरफ से। और ये जो देख रहे हो वहाँ पे ट्रेन लाइन भी है बगल में ही, ऊपर से भी जा सकते हैं इधर से, इधर से बहुत अच्छा एक। मैं आ गया अभी औरंगाबाद में, अभी डॉक्टर दिखाने के लिए जा रहे हैं MGM हॉस्पिटल। नहीं दिखा रहा है, नहीं तो कल संडे है, छुट्टी रहेगा। मेरे साथ है खान भी खाऊ मेरा दोस्त, अभी राइडिंग कर रहे हैं, राइडिंग करके आ गया। फीस को दे दिया, क्योंकि इसका शहर है, ये घुमाएगा कहाँ लेके जाएगा, घूमेंगे आज। कल संडे है, कल घूमेंगे, देखेंगे इसके अराउंड में क्या क्या है, पूरा शहर को घूमेंगे। औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट्स आ गए अभी MGM हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रीटमेंट करना। पहले हम लोग पार्किंग कर दिया, ये हमारा जगत दल बाइक, उसके बाद अभी जाएंगे दिखाएंगे कहाँ पे क्या है। तो गाइस औरंगाबाद का सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल था MGM हॉस्पिटल, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर लिया, आज चेकअप हो गया। मेरे को लग रहा था इतना अच्छा फैसिलिटी है वहाँ पे, लग रहा था बहुत सारा चार्ज होगा मेरा, किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन 2-3 जगह पे मेरे को रेफर किया, ट्रीटमेंट किया, चेकअप किया, फिर भी 0 चार्ज नहीं लिया, पहली बार था इसके साथ। एंड जब वहाँ पे एडमिट होंगे उसके बाद चार्ज करेगा। औरंगाबाद का बहुत अच्छा अस्पताल है ये, सबसे बड़ा अस्पताल। थोड़ा दवाई दिया, दवाई का चार्ज लगेगा, क्योंकि बाहर से मैं दवाई दिया है, 280 का दवाई दिया 5 दिन का। उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट कैसा होगा नहीं होगा, ये तो फिर से आना पड़ेगा और एडमिट होना पड़ेगा, मेडिकल सर्जरी कुछ हो जाए। औरंगाबाद का सबसे फेमस टी शॉप बरकत टी शॉप पे टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मतलब हम नाम सुना था, आज टेस्ट कर लिया वो। चलो अभी निकालते हैं यहाँ से, देखिए बरकत टी हाउस। बाद में आओगे तो ज़रूर एक बार टेस्ट करके जाना ही, चाय यहाँ पर बहुत बढ़िया चाय है, 12 रुपया पर कप। बहुत लोग आते हैं, भीड़ देखा आप लोग, बहुत भीड़ था वहाँ पर। शाम के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, बारिश होगा तो अच्छा नहीं लगता। सितंबर का महीना चल रहा है, लेट अटम गाइस। शाम को थोड़ा बहुत आराम कर लिया, अभी थोड़ा नाइट होने जा रहा है, सिटी में नाइट को घूमने बहुत अच्छा लग जा
लगता है मेरे को, इसीलिए अभी जाएंगे, 2-3 घंटा घूमेंगे, फिर 10 बजे आके यहाँ पे सो जाएंगे न्यू प्लेस पे। एक यहाँ पे हॉस्टल है मस्जिद के बगल में, वहीं पे रहेंगे आज का नाइट। कल संडे है, मजा करेंगे, शुरू करते हैं नाइट ट्रिप इन औरंगाबाद सिटी। तो ये देखिए औरंगाबाद का एक जो किसी गेट है, इसका नाम है पाइथन गेट। पूरा जो यहाँ पे कपड़े का मॉल है, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे सस्ते में अच्छे क्वालिटी का कपड़ा भी मिल जाएगा। पूरा एरिया जो है पूरा देखिए बहुत अच्छा लग रहा है अभी घूमने में। अभी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, शायद देखेंगे थोड़ा कैसा है नहीं है, संभाल के भाई। देखो तो चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा यहाँ पर चीज़ हमको मिलेगा। मैं जाएंगे एक बार अंदर, कहीं ना कहीं कुछ लेना है तो। इसे यहाँ पे तो गेट बहुत है औरंगाबाद में, इसीलिए इसको सिटी ऑफ गेट बोलता है। इस गेट का नाम है पाइथन गेट। देखो कितना शॉपिंग, पूरा शॉपिंग बस कपड़ा वपड़ा का शॉपिंग है। चलो तनवीर भाई कहीं पे घुसना है, लेते घूम के उसके बाद घुसेंगे आते टाइम पे, ठीक है। पूरा शॉपिंग के लिए बस कपड़ा वपड़ा का ही है तो यहाँ पे चप्पल। तो देखिए औरंगाबाद का इस जगह का नाम है बुड्डी लैन। यहाँ पे खाने वाला सब चीज मिलता है, हर टाइप का खाना, वैरायटीज ऑफ खाना यहाँ पे मिलेगा। देखिए हर जगह पे दोनों साइड रोड पर बहुत सारा दुकान है, खाने पीने का दुकान है, वैरायटीज ऑफ होटल है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है एकदम। मस्जिद किधर है तो लोग बैठे हैं, इसको रिपेयर कर रहे हैं ना। ये वाला क्या है, जामा मस्जिद? अरे वाला बाद जो बस स्टैंड है उसके बगल में है सिद्धार्थ गार्डन, जो 7:30 बजे बंद हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं एंट्री कर पाए अंदर। कल संडे है, कल आएंगे, प्लानिंग रहा, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये है गाइस बीवी का मकबरा, नाइट व्यू, मिनी ताजमहल जिसको कहा जाता है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे घूम लिया है, वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे टिकट मिलता है लेकिन अभी नाइट में टिकट नहीं मिलेगा, जो बंद रहता है बात करके आता है। तो नाइट में अभी अंदर जाएंगे, पैसा ले लिया है तो टिकट ले लिया हम लोग, यहाँ पे पार्किंग करना है। तो यहाँ पे एक देखा चीज़ मैंने, वो है जो इंडियन है उसके लिए 25 रुपीज़, जो फॉरेनर है 300 रुपया, 300 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है चार्ज। फॉरेनर अगर यहाँ पर घूमने जाएंगे तो उन लोगों के लिए चार्ज बहुत महंगा है। एंड 10 to 6 PM यहाँ पे लिखा है 6 AM to 6 PM लेंगे फिर। तो यहाँ पे एंट्री गेट पर टिकट चेकअप करने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे, ऑनलाइन टिकट चेकअप कराना पड़ेगा, कॉइन जैसे मेट्रो पे होता है वो देखे। क्या खूबसूरत है, क्या बेहतरीन नज़ारा है ना। देखो पैसा ही पैसा है। यहाँ पे बीबी का मकबरा पे जिसके मतलब औरंगजेब का वाइफ उसका बेटा बनाया था, तो उसका वाइफ का, औरंगजेब का वाइफ का उसका समाधि है। देखिए लोग यहाँ से पैसा रखते हैं यहाँ पे डोनेट ऐसे मतलब मेमोरी के हिसाब से, तो बहुत सारा पैसा है, 20-30 हज़ार रुपये तो हो ही जाएगा मेरे को लग रहा है। अभी डिनर करना है यहाँ पे मुगल दरबार होटल पे, अभी खाना खाएंगे आज औरंगाबाद का एक अच्छा होटल, तो अंदर जाते हैं अभी।
मुगल दरबार होटल पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे एंड खाना खाएंगे तंदूरी होटल पे। हम लोग अभी बैठ गए हैं, अभी ऑर्डर करना है, क्या क्या ऑर्डर नहीं, सब लोग यहाँ पे आराम से बैठे खाना खाते हैं। वैराइटीज ऑफ खाना मिलेगा यहाँ पे, इसका मेनू दिया हुआ है। अभी तनवीर भाव में उन्हीं को पढ़ रहा है क्या है नहीं है, क्या ऑर्डर करना है, मेरे को भी देखना है, उसके बाद ऑर्डर करेंगे एंड खाना आएगा। ऐसे आधा घंटे बाद हमारा खाना आ गया है, मुर्ग मसल्लम, इसका ऑर्डर किया था हम लोग एक प्लेट मुर्ग मसल्लम, देखिए बहुत बढ़िया है माशाल्लाह एकदम। एंड तंदूरी रोटी, साथ में थोड़ा बहुत सलाद है, तो टेस्ट करेंगे कैसा है, बढ़िया रहेगा। फर्स्ट टाइम औरंगाबाद मुगल दरबार होटल में टेस्ट करते हैं मुर्ग मसल्लम, मुर्ग मसल्लम उसके साथ थोड़ा बिरयानी, बहुत अच्छा। ये देखो बिरयानी, खाना बहुत अच्छा हो गया आज। यहाँ से निकल गया मुगल दरबार होटल में, एक घंटा लग गया, गरम गरम खाना मिला, ऑर्डर किया, उसके बाद खाना आया। निकल जाएंगे, जाएंगे पाइथन गेट, वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो मेरे को क्लोथिंग शॉपिंग करना है, दो चार चीज़ लेना है, वहीं पे जाएंगे पाइथन गेट पे, जहाँ पे सामान बस कपड़ा वपड़ा ही मिलेगा, चप्पल स्लीपर सब कुछ मिलेगा। अरे ये जगह पे का कौन सा नाम बोला था, यहाँ पे खाने का मिलता है बस, फूडी लैंड बस खाने का चीज़ ही मिलता है। बताइए दो तरफ होटल ही होटल है, इतना यहाँ पे टूर था और औरंगाबाद टूर घूमा है। 6 बजे से लेके अभी 10 बज रहा है, खाना पीना खा के अभी जाएंगे हॉस्टल पे, मेरा दोस्त का हॉस्टल वहीं पे आज जाएंगे, स्टे करेंगे तो आज और कहीं नहीं जाएंगे, जाए तो उसका हॉस्टल ये है औरंगाबाद सिटी। अभी थोड़ा जा रहा है।